प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 72वां निरंकारी संत समागम जो कि नवंबर की 16, 17, 18, 19 को होने जा रहा है, और उसी संबंध में एक सूचना है कि जैसा कि आप जानते हैं कि समागम स्थल का एक द्वार भोड़वाल माजरी रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, अतः समागम में महापुरुषों की सुविधा को देखते हुए रेल विभाग की ओर से लगभग उन सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का भोड़वाल माजरी स्टेशन पर 3 मिनट के लिए रुकने का आदेश जारी कर दिया गया है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी अपनी संगतों में घोषणा कर दें कि वे पानीपत रेलवे स्टेशन की बजाय भोड़वाल माजरी रेलवे स्टेशन पर ही उतरे। चाहे आपने आरक्षण पानीपत तक का भी क्यों ना कराया हो, आपकी सुविधा के लिए इस स्टेशन पर सेवादल का एक स्वागत कक्ष भी बना हुआ होगा। यहाँ से सेवादल के जवान आपको रिहायशी ग्राउंड टेंट में पहुँचाने के लिए उपलब्ध होंगे। महापुरुषों, रेल विभाग ने उन गाड़ियों के रुकने की सुविधा 5 नवंबर 2019 से 30 नवंबर 2019 तक प्रदान की है। इसी प्रकार सभी संतों महापुरुषों को अपने अपने शहरों को वापस जाने के लिए भी सुविधा मिलेगी। मतलब 5 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप भोड़वाल माजरी तक बिल्कुल जा सकते हैं, चाहे आपने पानीपत तक का आरक्षण करवाया हो, लेकिन महापुरुषों आपने भोड़वाल माजरी रेलवे स्टेशन पर उतरना है ताकि हम बिना कोई परेशानी के समागम स्थल पर आराम से पहुँच सकें। और महापुरुषों, ट्रेन्स की जानकारी के लिए अभी दास एक और वीडियो अपलोड करेगा जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कौन सी ट्रेन कहां से जाने वाली है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना और इस वीडियो को सभी महापुरुषों तक जरूर पहुंचाएं। प्यार से कहना धन निरंकार जी।